आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सुरों की मलिका, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, लीगन ऑफ ऑनर और भारत रत्न तो मिला ही है। 50,000 से भी ज्यादा गाने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। भारत में जब भी एक सूची बनाते हैं हम सबसे बड़े सिंगर्स की, लता मंगेशकर का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। इससे पहले हमने भीमसेन जोशी की बात की थी, इससे पहले हमने रविशंकर की बात की थी, उस्ताद बिस्मिल्ला खां की बात की थी, आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर की। भारत रत्न की सीरीज चल रही है और इस कड़ी में लता मंगेशकर अगली है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यही डीपी लगी हुई है, आप वहां पे सवाल पूछ सकते हैं और लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो ये लिस्ट है दोस्तों, इनमें से मैंने सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी नहीं कवर की है और पंडित मदन मोहन मालवीय की बायोग्राफी नहीं कवर की है, बहुत ही जल्द मैं कवर कर दूंगा। इन सबकी बायोग्राफी कवर की है, सिर्फ गोपीनाथ बारदोली बचे हुए हैं, उनकी बायोग्राफी अगली होगी। इन सबकी बायोग्राफी कवर की है, सिर्फ जे आर डी टाटा बचे हुए हैं, उनकी बायोग्राफी अगली होगी, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इन सब की मैंने बायोग्राफी कवर की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब की भी बायोग्राफी कवर्ड है, इन सब की बायोग्राफी कवर्ड है, इन सब की बायोग्राफी कवर्ड है। तो सिर्फ चार पर्सनैलिटीज बची हुई है दोस्तों, बाकी सारे भारत रत्न अवॉर्डीज की बायोग्राफी मैं कवर कर चुका हूं। तो लता मंगेशकर की बात करें, 28 सितंबर 1929 में जन्मी है, इंडियन प्लेबैक सिंगर है और सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट रिस्पेक्टेड सिंगर, ना कि भारत में बल्कि पूरे साउथ एशिया में, ठीक है ना। तो ये चीज है, इन्होंने दोस्तों श्रीलंका के लिए भी गाने गाए हैं, इन्होंने भारत के हर स्टेट के लिए गाना गाया है, बंगाली में इनके 180 से ज्यादा सॉन्ग्स हैं, मराठी में तो इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, भजन भी गाए हैं और भारतीय मूवीज में, इंडियन बॉलीवुड मूवीज में तो इन्होंने आवाज दी ही है। एक समय तो दोस्तों ऐसा आया था, 1950s, 60s, 70s की बात करें, इवन 80s की भी बात करें, हर मूवी में लता मंगेशकर के गाने होते ही थे, चाहे जो हो उनके गाने तो हर मूवी में होते थे। भैया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हर किसी की फेवरेट मूवी है ये दोस्तों, और उसमें जितने भी गाने हैं मैक्सिमम में तो लता मंगेशकर ने ही गाया है, और यहाँ पे यश चोपड़ा की भी जितनी भी मूवीज थी उनमें भी लता मंगेशकर की आवाज गूंजती है, बहुत ही प्यारी आवाज दोस्तों है। और जब इनसे पूछा गया कि आपकी जो ये आवाज है इसमें कितना ज्यादा हार्डवर्क है और कितनी ये नेचुरल है, कितना मतलब कितना एक तरीके से जो आपकी आवाज है वो नेचर की देन है, तो यहाँ पे लता मंगेशकर ने बोला कि 75% तो ये एक तरीके से नेचुरल है, मतलब 75% मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये सब कुछ नेचुरल है, 25% हार्डवर्क होता है, तो ये इनका मानना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, लीगन ऑफ ऑनर और बहुत सारे अवार्ड्स मिले और भारत रत्न तो इनको दिया ही गया है। तो लता मंगेशकर का जो शुरुआती जीवन है वो इतना आसान नहीं था, कलाकार परिवार था भैया, इनका पूरा परिवार ही कलाकार था, इनकी तीन बहनें हैं और सबसे बड़ी है लता मंगेशकर, जिसमें आशा भोसले, आशा मंगेशकर की अगर हम बात करें, आशा भोसले की बात करें तो वो भी बहुत बड़ी गायिका हैं, हम सबको पता है आशा भोसले जी का नाम, बहुत सारी मूवीज में उन्होंने गाया है, उषा मंगेशकर हैं और मीना मंगेशकर हैं, और ये सब कलाकार, तीनों बहनें कलाकार, उषा, मीना, आशा और लता, लता दी की बात करें तो लता मंगेशकर इनमें सबसे बड़ी हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बेटी थी, पंडित दीनानाथ मंगेशकर इनके पिताजी का नाम था। पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी थिएटर आर्टिस्ट थे और बहुत बड़े सिंगर थे, क्लासिकल सिंगर थे, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब हुई जब 13 वर्ष की थी लता मंगेशकर, बाकी सब सब बहुत छोटे छोटे, 13 वर्ष में पंडित दीनानाथ मंगेशकर का देहांत हो गया। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों, बहुत ज्यादा, हालांकि जो शुरुआती ट्रेनिंग थी गाने की, क्लासिकल म्यूजिक की जो ट्रेनिंग थी वो इनके पिताजी ने इनको देना शुरू कर दिया था, 5 साल की उम्र से ये परफॉर्म करने लगी थी, आवाज तो थी ही, ठीक है, लेकिन 13 साल में जब इनके पिताजी का देहांत हुआ हार्ट डिजीज के चक्कर में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। ये सबसे बड़ी, ठीक है, और बाकी सारे भाई बहन छोटे छोटे, सारे घर का खर्चा उठाना है, कैसे होगा सब, कोई पैसा नहीं था, कलाकार के पास क्या पैसा होता है, ज्यादा पैसा तो होता नहीं, अंटिल एंड अनलेस आप बहुत बड़े कलाकार हो, ठीक है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं थे ना जहां परफॉर्म करके इतने सारे पैसे ले सके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, गरीबी आ गई, लेकिन उसके बावजूद
कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की। इसमें थे एक मास्टर विनायक जो कि नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के ओनर थे और दीनानाथ मंगेशकर के बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने मदद की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दो तीन चीजें हुई। लता मंगेशकर जी ने गाना बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था, 5 साल से ही शुरू कर दिया था। 13 साल में उनको ये रियलाइज हुआ कि उनको कुछ ना कुछ तो करना है वरना परिवार नहीं चलेगा। जो छोटे भाई बहन थे इनके, उषा, मीना, आशा, इनका क्या, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर ने स्कूल तो नहीं अटेंड किया क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, उनको घर का खर्चा चलाना था। लेकिन जो भाई बहन थे उनसे इन्होंने ये बोला कि तुम जितना हो सके पढ़ो, तुम कोई चिंता मत करो, मैं खर्चा दूंगी, लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये उषा मंगेशकर इनकी बहन ये बताती हैं कि लता दी ने हमको हमेशा सपोर्ट किया। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दोस्तों लता मंगेशकर को भी हुई। ऐसा था कि लता मंगेशकर मुंबई आ गई थी, ठीक है, काम की तलाश में मुंबई आ गई थी 1945 में, ठीक है। और मास्टर विनायक की कंपनी ने जो उनका हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो जब ये मुंबई आई तो यहाँ पे इनको ऑफर्स मिलने लगे, कुछ मूवीज में इन्होंने काम किया। अच्छा, लता मंगेशकर को मूवीज में काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो ये काम कर रही थी जो इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो बोलती हैं कि मूवीज में काम करना, मेकअप थोपना और रोने का मन नहीं है तब भी रो, हंसने का मन नहीं है तब भी हंसो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन घर को चलाने के लिए तो काम करना ही पड़ा। उन्होंने एक्टिंग शुरुआत में उन्होंने एक्टिंग की, ठीक है। और एक इसमें ऐसा भी था कि एक बार एक मूवी की शूटिंग चल रही थी और एक मतलब थप्पड़ मारने का सीन था, तो लता मंगेशकर को इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा था कि उनके कान से खून निकलने लगा था, वो बेहोश हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद वो एक्टिंग करती रही। कई कई बार तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती थी, उनको बुखार रहता था, उसके बावजूद वो एक्टिंग करती थी। और इसके बाद इन्होंने म्यूजिक की भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी, ठीक है। उस्ताद अमान अली खान जो कि भिंडी बाजार घराना के एक बहुत बड़े सिंगर थे, इन्हीं का ही था, तो यहां से इन्होंने ट्रेनिंग ली शुरुआत। पहले तो इनके पिताजी ने इनको म्यूजिक सिखाया, उसके बाद उस्ताद अमान अली खान ने इनको म्यूजिक की और तालीम दी। इनका जो पहला हिंदी सॉन्ग था माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, 1943 में इन्होंने एक मराठी फिल्म के लिए गाया था, ठीक है ना, गजा भाव के लिए, तो आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनका स्ट्रगल जो है वो और ज्यादा चालू हो गया क्योंकि इनके मेंटोर जो इनके परिवार को चलाते थे विनायक, मास्टर विनायक, उनका देहांत हो गया 1948 में। तो यहाँ पे गुलाम हैदर, ये भी एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने फिर लता मंगेशकर को मेंटोर करना शुरू हुआ। आपको बता दूं कि गुलाम हैदर को ही बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है लता मंगेशकर, इनकी अपना गॉड फादर गुलाम हैदर को ही मानती हैं। इन्होंने फिर लता मंगेशकर को जब देखा कि इतनी टैलेंटेड है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो इन्होंने ये पूरा सुनिश्चित किया कि इनको कोई कमी ना हो काम की, क्योंकि टैलेंट बहुत था। तो यहाँ पे दोस्तों एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, शहीद, 1948 में। तो जो शहीद मूवी आई थी इसके लिए इसके जो प्रोड्यूसर थे शशाधर मुखर्जी, वो एक वॉइस को ढूंढ रहे थे। तो गुलाम हैदर ने बोला कि आप लता जी को आजमाएं, लता मंगेशकर को आजमाएं, इनकी आवाज बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे शशाधर मुखर्जी ने बोला कि इसकी आवाज बहुत ही पतली है, ये काम नहीं करेगा। बहुत ज्यादा गुस्सा गए थे गुलाम हैदर, उन्होंने बोला था कि आज आप इस पतली आवाज को देख के नकार रहे हैं, इसको काम नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब लोग इसी पतली आवाज के साथ काम करने के लिए भीख मांगेंगे। और ये दिन फिर दूर नहीं दोस्तों आया, ये दिन बहुत ही जल्द। उन्होंने गाना शुरू किया, फिर मूवीज में गाना शुरू किया। महल एक मूवी आई थी और इसका बहुत ही फेमस गाना दोस्तों आपको याद ही होगा, आएगा 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 आने वाला आएगा। अभी भी दोस्तों आप देखते हैं कई एडवर्टीजमेंट में इस गाने को यूज किया जाता है, और भी बहुत लोगों की जवान पे ये गाना है। तो यहां पे ये जो गाना रिलीज हुआ ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पीछे पलट के कभी नहीं देखा। फिर 1950 आया, 1950 में बहुत सारे गाने गाए। 1960 आया, 1960 में भरमार हो गई। 70s में तो ये किंग हो गई थी, ठीक है, क्वीन हो गई थी। जो भी गाना होता था सबसे पहले लता मंगेशकर को बुलाया जाता था। फिर 80s, 90s, इवन 2000, 2000 तक जो वर्चस्व रहा ना, जो पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री पे राज रहा, वो लता मंगेशकर का ही रहा। अभी भी आप इनके इंटरव्यूज देखेंगे तो बड़ी सौम्य रहती हैं, बिल्कुल शांत, हर किसी से प्यार से मिलती हैं। अच्छे लोगों की इंसान मदद करता ही करता है दोस्तों, ठीक है ना। और आप देखेंगे जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, लता मंगेशकर एक ज्ञानी है, तो जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है वो बड़े सौम्य होते हैं,
ठीक है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स उस समय के, बहुत बड़े बड़े, और आज भी ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स एवरग्रीन है। ये लोग शंकर जयकिशन हो गए, नौशाद का म्यूजिक तो दोस्तों क्या बताऊं, एस डी बर्मन बाप रे, पंचम दा जिनको बोला जाता था, सी रामचंद्र, हेमंत कुमार, सलील चौधरी, दत्ता नायक, खय्याम रवि, और बहुत सारे, लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया। और ये इनकी शुरुआती मूवीज थी, दीदार, बैजू बावरा, गजब की मूवी, अमर, उड़न खटोला, मदर इंडिया, तो ये तो मूवीज में, ये मदर इंडिया तो मैं तो कभी देखते ही नहीं हूँ, दो तीन बार देखी मैंने, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखी, जब भी ये आती है, क्योंकि एक ऐसी मूवी मुझे लगती है जो मुझे बहुत दुखी कर देती है, मतलब बहुत ही इमोशनल मूवी है मदर इंडिया। शायद अगर भारत में हम मूवीज की लिस्ट बनाए तो डेफिनेटली मदर इंडिया का नंबर वन रैंक है, डेफिनेटली। के आसिफ का गजब का डायरेक्शन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी मदर इंडिया, तो इसके लिए भी इन्होंने गाना गाया। उसके बाद शंकर जयकिशन के साथ इन्होंने काम किया, शंकर जयकिशन, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन्होंने जो डायरेक्टर्स थे वो क्या करते थे, जब वो जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो जब गाना लिखते थे वो लता मंगेशकर को ही ध्यान में लेके लिखते थे कि लता मंगेशकर जी है तो उनके लिए, तो एक तरीके से इनकी पूरी मोनोपोली स्टैब्लिश हो गई थी मूवीज में। उसके बाद ये देख सकते हैं ढेर सारी मूवीज है, आहाश्री 420, चोरी चोरी, देवदास, हाउस नंबर 44, बहुत सारी, और बहुत सारे इन्होंने गाने गाए। अब थोड़ा बहुत गाने पे भी नजर डाल लेते हैं। ओहो, 1960 में ये गाना, ब्लॉकबस्टर गाना, आज भी भैया किसी को भी अगर दिक्कत होती है, हजार दुश्मन अगर प्यार के आ जाते हैं तो भैया ये गाना गा दो, वो अपने आप पिघल जाएंगे। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुप आहें भरना क्या, अब ये मत बोल देना कि सर गा के सुनाओ, ठीक है। मुगले आजम मूवी का गाना था दोस्तों, 1960 में जो आई थी, बहुत ही बेहतरीन। मधुबाला इसमें मतलब डांस किया था उन्होंने, डांस किया, एक तरीके से एक्ट किया था प्यार किया तो डरना क्या में, और बहुत ब्लॉकबस्टर सुपर गाना साबित हुआ, और आज भी इस गाने को बहुत ही ऊपर रखा जाता, क्लासिक सॉन्ग्स में इसको गिना जाता। उसके बाद फिर अजीब दासता है ये, कहां शुरू कहां कदम, ये मंजिले हैं किसकी, भूल गया मैं, ना तुम समझ सके ना हम, कुछ इस तरीके का गाना था, और ये भी बहुत हिट हुआ और आज भी इस गाने को बहुत गाया जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों दिल अपना और प्रीत पराई का ये गाना था बेसिकली, इसके लिए इनको सेकेंड फिल्म फेयर अवार्ड मिला, एक फिल्म फेयर अवार्ड इनको पहले भी मिल चुका था, ठीक है ना, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर 1962 तक, इसके लिए इनको सेकेंड, वैसे तो बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं दोस्तों इनको, नेशनल अवार्ड भी कई बार मिले हैं, तो ये भी चीज है। उसके बाद जो ऐतिहासिक गाना जो इन्होंने गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, इस गाने से पहले लता मंगेशकर बहुत बीमार थी, इनको बहुत तेज बुखार था, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे आई सारा बुखार उनका उड़नचू हो गया, ऐसा लग रहा था देशभक्ति की भावना में वो डूब गई हो, और वो खुद बोल रही थी कि मुझे सब कुछ याद आ रहा था, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, जब जवाहरलाल नेहरू ने ये गाना सुना, इनको गाते हुए देखा, जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू बहने लगे थे, खुद जवाहरलाल नेहरू इमोशनल हो गए थे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। वाकई में अगर आज भी आप वो गाना सुने तो आप इमोशनल हो जाएंगे, ऐसा कुछ जादू था लता मंगेशकर का, और ये गाना तो एवरग्रीन रहा ही। और उसके बाद अब हम थोड़ा सा हिप्पी गानों पे आ जाते हैं, यहां पे आज फिर जीने की तमन्ना है, गाइड मूवी का गाना दोस्तों, गाता रहे मेरा दिल। गाइड एक क्या गजब की मूवी थी, देवानंद ने जो एक्टिंग की है, और क्या क्लासिक मूवी थी, गजब। उसके बाद फिर पिया तो से नैना लागे रे, फिर होटो पे ऐसी बात में दबा के चली आई, ज्वेल थीफ का गाना, तो ये सारे ये 1960s के गाने हैं, तो ये जो 1960 से लेकर 1970 तक था का जो ये पूरा एरा था ये लता मंगेशकर के नाम था। और एक चीज बता दूं, आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से इंसान इतना स्ट्रगल किया, इतनी प्रॉब्लम, सोचिए कभी उसने सोचा नहीं होगा, लता मंगेशकर ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, परिवार की हालत इतनी बुरी है, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने इतनी मेहनत की। और कभी आज हम, आज वो इस मुकाम पे है तो हम उनकी लाइफ को ऐसे देख रहे हैं, लेकिन उस समय उनके लिए कितनी प्रॉब्लम रही होगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, कभी भी मुसीबतें आए तो घबराएं नहीं, उससे लड़ें, और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं, वक्त उसका साथ देता है और भगवान अपने आप उसको ऊपर पहुंचा देता है। लता मंगेशकर आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। उसके बाद दोस्तों आपकी नजरों ने समझा, 1962 बहुत ही बेहतरीन गाना दोस्तों, शायद एक ऐसा गाना है, बहुत इसके रीमेक बन चुके हैं, आज भी कई बार इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग सिंगर्स गाते हैं,
आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ठीक है। तो ये पूरा गाना बहुत ही प्यारा गाना है, आप इसकी जो धुन है, जो स्वर है, कमाल के हैं। और लता मंगेशकर ने गाया, गाना गाया तो सोने पे सुहागा हो जाता है और चांद चांद लग गए। उसके बाद एक ऐसा गाना जो डेफिनेटली अगर कोई प्यार में है तो ये गाना सुन के वो रोने लगेगा, बिल्कुल, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। क्या वर्ड्स हैं, क्या लिरिक्स है, आप भावना देखिए जरा, ये देखिए, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो। इसके बाद ये अक्सर ऐसा होता है, प्यार के दुश्मन होते हैं, कई बार अलग कर देते हैं और उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गाना उन सबके लिए डेडिकेटेड है, और अक्सर जो प्यार के बहुत ज्यादा मारे होते हैं, जिनके प्रॉब्लम होती है और धोखा मिलता है या अलग हो जाते हैं, तो ये गाना तो उनकी लिस्ट में आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद फिर नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, वो कौन थी का गाना 1964 में, फिर देख सकते हैं वो चुप रहे तो ये भी, फिर तेरे आंखों के सिवा, ये सब बहुत बड़े हिट गाने हैं। लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, 50,000 से इन्होंने ज्यादा गाने गाए हैं। अब उसकी 50,000 गाना तो यहाँ पे इंक्लूड करना नामुमकिन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग सारे गाने 60s, 70s, 80s, ये सब लता मंगेशकर के नाम थे। उसके बाद दोस्तों 1970s आता है, फिर उसके मीना कुमारी की जो आखिरी फिल्म थी पाकीजा, उसके गाने बहुत फेमस हुए, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, फिर चलते चलते, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारी मूवीज आई दोस्तों, शर्मीली मूवी आई, इसका गाना, प्रेम पुजारी का गाना रंगी लारे मेरे मन से ये रंगा है मेरा मन, कुछ इस तरीके से गाना था। फिर उसके बाद ओफो, ये तो गाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है दोस्तों, खिलते हैं गुल यहाँ गुल से बिछड़ने को, बहुत ही, इनके दो गाने मुझे बहुत, एक तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके का लग जा गले, और ये फिर खिलते हैं गुल यहाँ, वैसे तो सारे ही गाने एवरग्रीन है लेकिन मैं, ये दोनों मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पिया बिना अभिमान का, अभिमान के तो गाने बहुत ही फेमस हुए थे दोस्तों, तेरे मेरे मिलन किए रहना, ओफो ये गाना तो बल्कि बिल्कुल कहर है, आप अगर देख सकते हैं, बहुत ही गजब की मूवी थी अभिमान, एक बहुत ही क्लासिक मूवी थी दोस्तों। जया प्रदा और अमिताभ, सॉरी जया प्रदा कह रहा हूँ, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की जो मूवी थी वो कमाल की थी। जया बच्चन जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की होती हैं, उनको भी बहुत बड़ा सिंगर बनना होता है लेकिन अमिताभ बच्चन उनको बनने नहीं देते, तो इसी ये पूरा बैकड्रॉप था मूवी का। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं मूवी के दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत मूवी है, जरूर देखिएगा अभिमान, अगर आपकी आंखों से आंसू ना गिरे तो आप मुझे फिर बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। और जो इसके गाने हैं तेरे मेरे मिलन किए रहना, कमाल की, इसी के लिए इनको बेस्ट, फिर से नेशनल फिल्म अवार्ड मिला इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए। बीती ना बिताई रहना एक और बहुत बड़ा परिचय मूवी एक और बहुत बहुत बेहतरीन मूवी थी, ठीक है। तो ये सारी, उसके बाद फिर रूठे रूठे पिया, कोरा कागज के भी बहुत सारे गाने फेमस थे, कल्याण जी आनंद जी के साथ इन्होंने काम किया, और भी बहुत सारी दोस्तों मूवीज हैं, इंतकाम मूवी आई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने के साथ, लता मंगेशकर जी ने 1970 में बहुत काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो कि बहुत बड़े उस समय डायरेक्टर थे, हर मूवीज में ये रहती थी उनके, बहुत सारी मूवीज आई दोस्तों, मिस्टर एक्स आई, जीने किरा, इंतकाम, उसके बाद पाकीजा, अभिमान हो गए, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, मौसम, लैला मजनू, ढेर सारी मूवीज आई, लिस्ट बहुत लंबी है। आंधी एक मूवी आई थी दोस्तों 1975 में, इंदिरा गांधी ने काफी उसको बैन कर दिया था आंधी मूवी को, क्योंकि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के रिश्ते पे वो मूवी थी, ठीक है, संजीव कुमार थे। तो ये चीज है भाई, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, मैं नई पुरानी हॉलीवुड बॉलीवुड सारी मूवीज में देखता हूँ, मुझे बड़ा शौक है मूवीज देखने का। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों ये जो एपिक गाना आया था सत्यम शिवम सुंदरम, आज भी ये गाना आपको हर जगह देखने को मिलेगा, वैसे तो पुराने गाने आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ये तो उस समय का चार्ट टॉपर हो गया था, नंबर वन पे, राज कपूर ने के तो सपने में लता मंगेशकर ये गाना गा रही थी, राज कपूर ने तो खुद बोला था, ठीक है। तो राज कपूर ने ये मूवी सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी दोस्तों, शशि कपूर जीना तमान, तो ये गाना जो था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और जो आलाप लिया था कमाल का, बहुत ही बेहतरीन गाना था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर ये शीशा हो या दिल हो, ये काफी हम लोग एक दूसरे को चढ़ाने के लिए वैसे बोलते थे, ये जो गाना था शीशा हो या दिल हो, कभी भी कुछ टूटता था। उसके बाद फिर तू कितने बरस का, और फिर कितना आसान है, देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे, हमको भी गम मेरे नसीब में, ये सारे गाने इन्होंने गाए, इतने सारे गाने इन्होंने गाए, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद राम तेरी गंगा मैली 1985 में, ओफो जब ये मूवी आई और इसके जब गाने रिलीज हुए तब तो फिर सब सारे रिकॉर्ड टूट गए, ठीक है। इसके जितने भी गाने थे ज्यादातर लता मंगेशकर ने ही गाए थे, और हर एक गाना बहुत हिट हुआ था, बहुत ज्यादा, चाहे वो सुन साहिबा सुनो, चाहे वो राम तेरी गंगा मैली हो गई का टाइटल ट्रैक,
उसके बाद 1990s आ गया, देखते ही देखते 1980s 1990s आ गया। अब 1990s में भैया चेंज हो, बॉलीवुड ही चेंज हो गया, वहां पे अलग तरीके की मूवीज बनने लगी, यश चोपड़ा मूवीज में हाथ आजमाने लगे। हालांकि यश चोपड़ा तो क्या बोल रहा हूं मैं, यश चोपड़ा तो बहुत ही पहले से ही मूवी बना रहे थे, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है जिन्होंने मूवीज बनाना शुरू किया था। तो यश चोपड़ा की, मतलब इस समय आदित्य चोपड़ा जो उनके बेटे, बहुत सारी मूवीज बना रहे थे। तो बहुत सारी मूवीज में लता मंगेशकर ने गाना गाया, उसमें लम्हे एक मूवी थी, चांदनी, चांदनी तो बहुत ही ऋषि कपूर श्रीदेवी की मूवी, फिर डर शाहरुख खान की एक ऐसी मूवी थी जिसने शाहरुख खान के करियर को पूरा बदल दिया था, डर मूवी। उसके बाद फिर ये दिल लगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक और ऐसी मूवी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से पहले दोस्तों शाहरुख खान खाली विलन में आते थे, जो रोल आप देखेंगे वो विलन का ही रोल करते थे, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये जो मूवी आई, इसमें शाहरुख खान एज अ हीरो हुआ है। और ये फिर ऐसी मूवी बनी, ट्रेंड सेटर होता है ना, कुछ मूवीज ट्रेंड सेट कर देती हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को आप जितनी भी देखें पलट, याद है ना वो डायलॉग इतना बढ़िया, और बहुत ही एकदम ऐतिहासिक मूवीज थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और आज भी शायद मराठा मंदिर में 25 साल है, कितने साल पूरे हो गए हैं, ठीक है, तो ये चीज है। ओहो क्या डायलॉग बोल दिया मैंने, दिल तो पागल है, फिर 1997 मोहब्बतें गजब, इसमें भी इन्होंने गाना गाया, ठीक है, हमको हम ही से चुरा लो, वीर जारा में इन्होंने गाना गाया, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, तो शायद परिवार की अगर बात करें, पारिवारिक मूवी में सबसे ऊपर नाम अगर किसी का आता है तो राजश्री प्रोडक्शन की हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, बहुत ही सुंदर मूवी दोस्तों, बेहतरीन। इसमें भी सारे लता मंगेशकर ने गाने गाए, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद 1999 में लता मंगेशकर को राज्यसभा में भी नॉमिनेट किया गया। अब थोड़ा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, लता मंगेशकर ने अटेंड नहीं किया राज्यसभा को, तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई, यहाँ पे शबाना आजमी हो गई, नजमा हेपतुल्ला, उन्होंने काफी सवाल उठाए कि यहाँ आती है नहीं है और बेकार है ये, फिर क्यों यहाँ पे राज्यसभा में की मेंबर हुई, तो यहाँ पे तबीयत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी लता मंगेशकर की, तो इसका मतलब ये रीजन दिया गया कि इसलिए ये अटेंड जो है वो सेशंस नहीं कर पा रही है। 2000 के बाद दोस्तों इनके गाने कम हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त वक्त पे ये गाती रही, ये आवाज देती रही दोस्तों, ठीक है। सरहदे इन्होंने एल्बम एक रिलीज की थी, उसके बाद 2005 में एक मूवी आई थी बेवफा, आपको याद होगा अक्षय कुमार की, तो उसमें इन्होंने आवाज दी थी अपना। फिर जेल मूवी आई थी उसमें इन्होंने आवाज दी थी। पेज 3 एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी मधुर भंडारकर की 2005 में, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर, दो पल रुकते हैं साथ साथ चलते हैं, एक गाना था ऐसा, ठीक है, तो उस ये गाना जो है वो लता मंगेशकर ने गाया था, ठीक है, तो ये सारे। उसके बाद सतरंगी पैराशूट में इन्होंने आवाज दी थी अपनी, तो ये सारे गाने जो है इन्होंने गाए थे, ठीक है। अब आपको बता दूं कि हाल ही में 30 मार्च 2019 में सौगंध मुझे इस मिट्टी की, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना मैं देश नहीं लुटने दूंगा, तो ये गाना इन्होंने गाया, ठीक है, तो ये इन्होंने एक सॉन्ग को रिलीज किया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हाल ही की बात है ये। अब आप देखिए लता मंगेशकर कभी बूढ़ी नहीं हुई है। आमतौर पे क्या होता है कि गला जो होता है जब इंसान एक उम्र पे जाता है तो उसकी आवाज खराब हो जाती है, लता मंगेशकर की आवाज एवरग्रीन है, ऐसा भगवान का इनके ऊपर आशीर्वाद है, सरस्वती माँ का इनके ऊपर ऐसा आशीर्वाद है कि इनकी आवाज एवरग्रीन है, कभी मुरझाती ही नहीं और ना कभी मुरझाएगी दोस्तों। और एक आपको बता दूं, अक्सर क्या होता है कि सिंगिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत ही एहतियात बरतना होता है, गले से सब कुछ है, तो गले के लिए काफी कुछ करना होता है, ठंडा नहीं खाओ, मिर्ची नहीं खाओ, खाना नहीं खाओ। लता मंगेशकर बोलती है मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी कोई भी परहेज किया ही नहीं, मैंने खूब मिर्ची खाई है, सब कुछ खाया है। गाते रहना चाहिए बस इंसान को, जहां पे गाना छूटा वहां पे गला खराब होता है, खाने आने से कोई गला खराब नहीं होता, हालांकि कुछ लोगों का गला सेंसिटिव होता है। अब जो सिंगर इस लेक्चर को देख रहे हैं, भैया खाने मत लगना बाद में बोलो कि सिद्धांत सर ने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा नहीं बोला था, लता मंगेशकर जी ने ऐसा बोला था, उनका गला अलग तरीके का है, हो सकता है कुछ लोगों का गला सेंसिटिव हो। तो ये कहानी थी दोस्तों लता मंगेशकर की, आई होप आप इंस्पायर हुए होंगे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।